हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 10। एंड आज की वीडियो में हम दो चैप्टर कवर कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर रहे हैं दैट इज ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हम आज कवर कर रहे हैं। एंड ग्लिम्स ऑफ इंडिया में एज यू ऑल नो 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का वो है बेकर फ्रॉम गोवा। तो हम इसमें बेकर फ्रॉम गोवा को डिस्क्राइब करेंगे, गोवा के एशियन डेज के बारे में हम चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आता है कुर्ग। कुर्ग इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी, उसको डिस्क्राइब किया गया है। एंड तीसरा है टी फ्रॉम असम। तो ये तीनों चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया के डिस्क्राइब किए गए हैं इस वीडियो में। और उसके अलावा हम और भी कुछ करने वाले हैं और वो है मिचबिल द ऑटर। कौन सा चैप्टर करने वाले हैं हम? मिचबिल द ऑटर। ठीक है, ये दो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। एंड दोनों ही काफ़ी अच्छे चैप्टर हैं। दोनों चैप्टर की हम समरी कवर करेंगे। समरी के साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो कवर करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। क्लियर? सो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 से। अगर मैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 की बात करूं तो ये है बेकर फ्रॉम गोवा। बहुत ही नॉस्टैल्जिक, बहुत ही प्यारी स्टोरी है अबाउट द बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, इसमें हमने गोवन विलेज के बेकर्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली हम ये नहीं बोलेंगे कि पुराने बेकर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन ये जो प्रोफेशन है वो आगे कैरी फॉरवर्ड ज़रूर हुआ है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि बेकर जो है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी रिटन बाय ल्यूसियो रोड्रिग्यू। ठीक है, हु कॉल्स हिज रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ बेकर्स एंड देयर ब्रेड। तो इसमें जो ऑथर है वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को रिकॉल कर रहा है। ठीक है, वो गोवन विलेज से था एंड ही इज रिकॉलिंग अबाउट द बेकर एंड देयर ब्रेड। तो उस टाइम पे अगर मैं गोवा की बात करूँ तो वहाँ पे पोर्चुगीज सिविलाइजेशन थी। ये सबको पता होगा कि स्टार्टिंग में हम बात करें तो पोर्चुगीज ने गोवा को इन्वेड करके रखा हुआ था। पोर्चुगीज जो थे वो गोवा में थे। ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग पूरा गोवा बना हुआ है, राइट। एंड आज भी ये बोला गया है कि गोवा में बेकर्स एग्जिस्ट करते हैं। गोवा जैसे विलेज में बेकर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब गोवा में बेकर्स को क्या बोला जाता है? गोवा में बेकर्स को बोला जाता है पेडर। क्या बोला जाता है? पेडर। कौन सी ड्रेसेस ये लोग पहनते थे? कैसी ड्रेसेस ये लोग पहनते थे? कबाई। कौन कैसी ड्रेसेस? कबाई। ठीक है, समझ आया। एंड ये प्रोफेशन आज भी कैरी किया गया है फॉरवर्ड। जैसे स्टोन के फर्नेसेस होते थे आज भी वो फर्नेसेस हैं और बिल्कुल वैसे ही ब्रेड्स बेक करी जाती है जैसे पहले की जाती थी। तो इसमें डिफरेंट, इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स के बारे में बताया गया है। जैसे स्वीट बैंगल इज़ लाइक डोनट। ठीक है, स्वीट बैंगल्स के अलावा बोली हंस हो गया, इट इज़ अगेन अ स्वीट ब्रेड। और ये बताया गया है कि ब्रेड इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनका कोई भी स्पेशल ओकेजन, चाहे बर्थडे हो, चाहे इंगेजमेंट हो, चाहे मैरिज हो, वो चाहे मैरिज का इन्विटेशन क्यों ना हो, वो इस स्वीट ब्रेड के बिना इनकम्प्लीट है। तो ये बताया गया है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो बेकर है वो थर्ड और जिंगलिंग साउंड के साथ, मतलब डंडा होता है उसके हाथ में, उसके ऊपर बास्केट होती है, वो डंडे से यू थर्ड वाली आवाज़ निकालता है, जिंगलिंग, उसके पास एक बेल होती है। तो इन दोनों आवाज़ के साथ एक नेबरहुड में एंटर करता है, ब्रेड्स बेचने आता है। उसके आसपास बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं ब्रेड्स खरीदने के लिए बिना ब्रश किए, एंड वो काफ़ी खुश होते हैं, अपनी मर्जी के ब्रेड चूज़ करते हैं। ठीक है, नेबरहुड से मदर्स जितनी होती है वो भी ब्रेड खरीद रही होती है, दोपहर में वापस जितनी बची हुई ब्रेड है वो बेकर बेचते हुए जाता है। तो यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि बेकर बहुत ही प्रॉस्पेरस होता है। क्या होता है? प्रॉस्पेरस और वेल्दी फैमिली से होता है। एंड अगर कोई भी पर्सन जैक फ्रूट पर्सनालिटी का है, लाइक हलवाई टाइप जैक फ्रूट पर्सनालिटी का, तो समझ जाना वो बेकर है, ये बताया गया है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसके मैंशनड है वो पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गोवा में पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस था। ठीक है, पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस था, पोर्चुगीज सिविलाइजेशन थी। ठीक है, सबसे
कॉमन प्रोफेशन वहाँ पे कौन सा था? सबसे कॉमन प्रोफेशन वहाँ पे बेकर का था, ठीक है? किसका था? बेकर का था. सो द स्टोरी बिगिंस विद नरेटर डिस्क्राइबिंग द ओल्ड पोर्चुगीज डेज, जिसको आज भी लोग बहुत अच्छे से याद करते हैं. जैसे तुम्हारे पेरेंट्स भी याद करते होंगे ना, हमारे पुराने दिन में ये होता था, वो होता था, तो आज भी बहुत सारे गोवन विलेज के लोग याद करते हैं उन ओल्ड पोर्चुगीज डेज को गोवा में, ठीक है? जब बेकिंग उस टाइम पे सबसे कॉमन प्रोफेशन होता था अमंग द गोवंस, ठीक है? उस टाइम पे बेकर्स को क्या बोला जाता था? उस टाइम पे बेकर्स को बोला जाता था पेडर्स. क्या बोला जाता था? पेडर्स. द बेकर्स वर कॉल्ड पेडर्स एंड दे डिलीवर्ड फ्रेश लोव्स ऑफ ब्रेड. क्या डिलीवर करते थे? फ्रेश लोव्स ऑफ ब्रेड, एकदम फ्रेश बनी हुई ब्रेड एवरी मॉर्निंग टू द विलेजर्स. और जब वो आते थे उनका अराइवल कैसे अनाउंस किया जाता था? जैसे मैंने अभी बताया, थर्ड की साउंड जो डंडे की होती थी और जिंगलिंग साउंड जो बेल की होती थी, राइट? दे मेड अ जिंगलिंग साउंड विद देयर बैम्बू स्टाफ टू अनाउंस देयर अराइवल. क्लियर? फिर अब यहाँ पे किसकी चाइल्डहुड मेमोरी बताई गई है? नरेटर की चाइल्डहुड मेमोरी बताई गई है. नरेटर कौन है? हमारा अपना ऑथर, ठीक है? तो यहाँ पे ये बताया कि नरेटर रिमेंबर्स हाउ ही एंड हिज फ्रेंड्स ईगरली वेटेड फॉर बेकर एंड हिज बास्केट ऑफ ब्रेड. कि रोज़ सुबह नरेटर और उसके फ्रेंड्स जब छोटे बच्चे थे, वो कैसे बेकर की वेट करते थे वो स्वीट ब्रेड्स खाने के लिए, डोनट्स खाने के लिए, ठीक है? ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स अगर आज की बात करें, ब्रेड बैंगल्स इज लाइक डोनट्स, ठीक है? समझ आया? दे बॉट ब्रेड बैंगल्स विच दे ईट विदाउट ब्रशिंग देयर टीथ. और एक लाइन ये भी लिखी हुई है चैप्टर में कि उस टाइम पे बच्चे ये समझते थे वी आर अ टाइगर, अपने आप को टाइगर से कंपेयर करते थे और बोलते थे टाइगर भी तो अपना शिकार करने से पहले ब्रश थोड़ी करता है, राइट? और स्वीट ब्रेड को क्या बोला जाता है वहाँ पे? बोल. दे ऑल्सो इंजॉय द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल विच वॉज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट इन गोवा. एंड अपार्ट फ्रॉम मैरिज गिफ्ट फॉर ऑल स्पेशल ओकेजन्स, जितने भी स्पेशल ओकेजन्स हैं सबके लिए क्या यूज़ किया जाता है? बोल्स यूज़ किए जाते हैं. क्लियर? समझ आया? देन वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. जितने भी फेस्टिव ओकेजन होते हैं उन फेस्टिव ओकेजन के लिए जितने बेकर्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ब्रेड्स के बिना कोई भी फेस्टिव ओकेजन कंप्लीट नहीं होता. द नरेटर सेज दैट बेकर्स वर एसेंशियल फॉर एनी फेस्टिव ओकेजन एज दे सप्लाइड केक्स एंड बोलीहंस. बोलीहंस आर लाइक कुकीज, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इट इज स्वीट ब्रेड्स टू द पीपल. और ये सब बेकर का काम है, इसके बिना सारे के सारे ओकेजन इनकम्प्लीट होते हैं. इनफैक्ट आज भी ऐसा होता है, राइट? हर सेलिब्रेशन में हम लोग भी केक काटते हैं, है ना? अब वहाँ पे किसका? पेडर का. पेडर कौन है? बेकर. पेडर कौन है? बेकर. पेडर या बेकर का ट्रेडिशनल अटायर बताया गया है. क्या पहनते थे? अभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही बताया, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, कि वो लोग कबाई पहनते थे. क्या पहनते थे? कबाई. द नरेटर ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ टिपिकल ड्रेस ऑफ द बेकर्स विच वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ठीक है? उसके बाद उनका सबसे डिस्टिंग्विश फीचर क्या था? उनकी ड्रेस ही उनका सबसे डिस्टिंग्विश फीचर थी. एंड इट डिस्टिंग्विश्ड बेकर्स फ्रॉम दी अदर पीपल, ठीक है? वो उनकी ड्रेस से ही पता लग जाता था कि हाँ ये बेकर है, ठीक है? समझ आया? एंड आफ्टर पोर्चुगीज एरा, पोस्ट पोर्चुगीज एरा, जो नरेटर है वो ये बोलता है कि जो बेकर्स हैं, ठीक है, द नरेटर सेज दैट द बेकर्स वोर दिस ड्रेस इवन आफ्टर पोर्चुगीज लेफ्ट गोवा, ठीक है? क्योंकि ये पोर्चुगीज का ड्रेसिंग स्टाइल है, ठीक है? अब यहाँ पे बेकर्स की प्रॉस्पेरिटी बताई हुई है. जो भी जितने भी बेकर्स हैं दे आर वेरी वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस, क्योंकि हर ओकेजन में हर रोज़ उनकी कोई ब्रेड खरीदता है, हर ओकेजन में उनकी ब्रेड्स यूज होती है, चाहे केक की फॉर्म हो, चाहे डोनट्स की फॉर्म हो, चाहे स्वीट बैंगल हो, चाहे बोलीहंस हो. क्लियर? सो सबसे प्रॉस्पेरस किस बिजनेस किसका बताया गया है? सबसे प्रॉस्पेरस बिजनेस बताया गया है बेकर का. द नरेटर देन टॉक्स अबाउट द प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ द बेकर, ठीक है? प्लम फिजिक बताई हुई है बेकर की. अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो कौन सी फ्रूट से कंपेयर की गई है बेकर की फिजिक? दैट इज जैक फ्रूट, ठीक है? विच इज एग्जैक्टली ऊपर से पतला एंड नीचे से ऐसा. क्लियर? समझ आया? ही सेज दैट दे अर्नड वेल फ्रॉम देयर बिजनेस एंड दे हैड अ प्लम फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट एंड गुड ह्यूमर. ही ऑल्सो सेज दैट दे हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्रेंडली एटीट्यूड. तो काफ़ी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता था और उनका फ्रेंडली एटीट्यूड होता था. क्लियर? समझ आया? एंड उनका क्या रोल है सोसाइटी में? अगर मैं ट्रेडिशनल गोवा
गोवन विलेज की बात करूँ तो दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी एंड हमारे लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू ऑल नो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पिज्जाज, केक्स, कुकीज, और ये सब बेकर का काम है. करेक्ट, समझ आया? नाउ ये किसने लिखा है चैप्टर? ल्यूसियो रोड्रिग्यू ने लिखा है. इट इज़ रिटन बाय ल्यूसियो रोड्रिग्यू हु रिकॉल्स, जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को रिकॉल कर रहा है बेकर्स और ब्रेड के बारे में. एंड ही इज़ जस्ट पेंटिंग अ विविड इमेज और सिग्निफिकेंस बता रहा है बेकर्स का इन गोवन सोसाइटी. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया है. अगर ये चैप्टर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है. कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए. क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया के पार्ट टू पे जो है कुर्ग. कुर्ग में बेसिकली कुर्ग को एक हेवनली अवार्ड बोला हुआ है. हेवनली अवार्ड का मतलब क्या होता है? कुर्ग को एक स्वर्ग की तरह डिस्क्राइब किया हुआ है. कुर्ग बहुत ही सुंदर सिटी है और उसी को डिस्क्राइब किया गया है. उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ कवर करे हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कुर्ग को बोलते हैं कोडागू. क्या बोलते हैं? कोडागू. ठीक है, इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका. डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका जहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन होती है, स्पाइसेस उगते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटी भी होती है. अब इस चैप्टर को लिखा किसने है? नरेटर ऑथर कौन है? लोकेश आबरोल. किस कौन है? लोकेश आबरोल. उन्होंने जर्नी बताई हुई है, ब्यूटी बताई हुई है कुर्ग की, कल्चर बताया हुआ है, हिस्ट्री बताई हुई है, उसके लैंड के बारे में बताया हुआ है और उसको एक स्वर्ग से कंपेयर किया गया है. ठीक है, और ये बताया हुआ है कि कितना सुंदर जगह है वो. ठीक है, फिर उसके लैंडस्केप को डिस्क्राइब किया गया है, उसकी लोकेशन बताई हुई है. लोकेशन क्या है? इट इज़ बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. क्या लोकेशन है? बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. ठीक है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लैंडस्केप. हिली एरिया है, मिस्ट वैली है एंड कैस्केडिंग, मतलब बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है. क्लियर, बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है कुर्ग का? सितंबर टू मार्च, जहाँ पे उस टाइम पे एयर काफ़ी फ्रेश होती है और उस एयर में किसकी अरोमा आपको मिलेगी? आपको कॉफ़ी की अरोमा मिलेगी. ठीक है, यू कैन स्मेल कॉफ़ी एवरीवेयर. ठीक है, अब कुर्गीज़ के बारे में बताया गया है. कुर्गीज़ वहाँ के लोगों को बोला जाता था. कुर्गीज़ कौन थे? पीपल ऑफ कुर्ग. कुर्गीज़ कौन थे? पीपल ऑफ कुर्ग. क्लियर, कौन थे कुर्गीज़? पीपल ऑफ कुर्ग. क्लियर, कुर्गीज और कोडागूज भी बोला जाता था. ठीक है, दे आर वेरी मच नोन फॉर देयर मार्शल ट्रेडिशन. अपनी आर्मी की वजह से जाने जाते थे, अपनी हॉस्पिटैलिटी ब्रेवरी की तरफ से जाने जाते थे और उनकी जो लाइनेज है वो ग्रीक से चलती आ रही है या अरब से चलती आ रही है. ठीक है, अरब और ग्रीक्स की लाइनेज है. ठीक है, मिल्ट्री कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुर्गी की बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है मिल्ट्री में. अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो जो फर्स्ट चीफ था इंडियन आर्मी का, जनरल करियाप्पा, वो भी कुर्गी थे. ठीक है, मतलब वो भी कुर्ग से थे. एंड ये एक टेस्टमेंट है कि कुर्गीज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, वहाँ की कम्युनिटी को फायर आर्म्स कैरी करना अलाउड है विदाउट लाइसेंस, क्योंकि वो इतने शांत बिहेवियर के हैं कि वो गलती से भी किसी को हार्म नहीं कर सकते. ठीक है, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ और टूरिज्म डिस्क्राइब किया गया है कुर्गी का. रिवर कावेरी के बारे में बताया हुआ है जो कुर्ग से निकलती है. ठीक है, समझ आया? वहाँ पे मासीर फिश, कॉर्नर स्टोन रीजन मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही सुंदर जगह है. ठीक है, फिर फ्लोरा और फौना को डिस्क्राइब किया गया है. कुर्ग के फॉरेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है. एलिफेंट्स, किंग फिशर्स, स्क्विरल्स, लंगूर, पैरट्स, मेकिंग इट अ हॉट स्पॉट फॉर वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट. ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. क्लियर, समझ आया? फिर उसके बाद उसके ग्रेट आउटडोर्स को बताया हुआ है कि तुम वहाँ जाके क्या कर सकते हो. एक तो माउंटेन ट्रैकिंग. ठीक है, जो विजिटर्स हैं जो कुर्ग गए हैं, ठीक है, उनको माउंटेन ट्रैक करनी चाहिए फॉर द ब्यूटिफुल सीनिक वैल्यू. ठीक है, समझ आया? फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर, सीनिक व्यूज़ बहुत अच्छा है. प्रॉपर ट्रैक करके अगर जाओगे तो बहुत ही अच्छा आपको पूरा कुर्ग दिखेगा ऊपर माउंटेन से. क्लियर, फिर उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे ब्रह्मागिरी हिल्स. हाँ, ये हो गया हमारा. ब्रह्मागिरी हिल्स के बारे में बताया हुआ है. बियॉन्ड कॉफ़ी प्लांटेशन ब्रह्मागिरी हिल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ब्रह्मागिरी हिल्स से आपको क्या दिखेगा? आइलैंड ऑफ निसर्गधामा. ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्क का एरिया आएगा व्हेन यू गो अप फ्रॉम कुर्ग. द आइलैंड इज निसर्गधामा को ही डिस्क्राइब किया गया है ये. द आइलैंड इज अ स्पिरिचुअल रिट्रीट वेयर वन कैन एनकाउंटर बुद्धिस्ट मॉन्क इन देयर वाइब्रेंट रेड एंड येलो रोब्स. क्लियर,
समझ आया, फिर उसके कल्चरल को बताया गया कि कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, कल्चरल आइडेंटिटी है उस रीजन की कॉफ़ी प्लांटेशन। फिर उसके बाद स्पाइस गार्डन्स है जहाँ पे बहुत ही अच्छी अरोमा आती है, और वहाँ पे लोकल क्यूजींस के बारे में भी बताते हैं, लोकल ट्रेडिशन डांसेस, उसका कल्चरल हेरिटेज सब बताया गया है इस चैप्टर में, क्लियर और नॉट। फिर उसके बाद आता है कुर्ग, अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड हारमनी। तो ये कंक्लूजन हो गया आपके चैप्टर का कि भाई जो लोकेश अग्रोल है उसने बताया है कि वो कितना सुंदर है कुर्ग, ठीक है, समझ आया। ही पेंट्स अ पिक्चर ऑफ लैंड दैट एम्बॉडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। तो कुर्ग को किससे डिस्क्राइब किया गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, क्लियर समझ आया, विद इट्स डाइवर्सिटी एंड हारमनी एंड फ्रॉम द मार्शल ट्रेडिशन ऑफ द कुर्गीज टू द पीसफुल प्रेजेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, कुर्ग रिप्रेजेंट्स द यूनिटी इन डाइवर्सिटी दैट इज द एसेंस ऑफ इंडिया। तो ये लाइन बहुत अच्छी है, आप थीम में भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो सबसे पहला क्या है, व्हाई डज द ऑथर इन कुर्ग से दैट द विजिटर सर्च फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया वुड बी फाउंडेड इन कुर्ग। तो ऑथर ने ये क्यों बोला, Why does the author say in Kurg कि जो visitors हैं वो search करते हैं heart and soul of India जो Kurg में ही मिलेगा। तो the author in Kurg suggests that visitors searching for the heart and soul of India would find it in Kurg। क्यों? क्योंकि जो region है वहाँ पे rich cultural tradition है, natural beauty है, वॉरियर स्पिरिट है कुड़ावूस की, ऑफरिंग अ ग्लिम्स इन टू इंडियाज डाइवर्स हेरिटेज एंड वैल्यू। उसके बाद कुर्गीज की बात करें तो दे बिलोंग टू अ वेलोरस एंड हॉस्पिटेबल रेस, बहुत ही वेलोरस एंड हॉस्पिटेबल रेस से बिलोंग करते हैं। कमेंट दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। तो द स्टेटमेंट दैट कुर्गीज बिलोंग टू अ वेलोरस एंड हॉस्पिटेबल रेस इज सपोर्टेड बाय द टेक्स्ट। द ऑथर डिस्क्राइब्स द ब्रेवरी ऑफ कुड़ावूस एंड देयर वॉर्म्थ, ठीक है, देयर वॉर्म हॉस्पिटैलिटी एग्जेम्प्लीफाइड बाय ऑफरिंग देयर शेल्टर्स टू स्ट्रेंजर्स विच रिफ्लेक्ट देयर करेजेस एंड वेलकमिंग नेचर। नेक्स्ट आता है, डू एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग रिक्वायर अ पर्सन टू पजेस जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, वाई नॉट। तो क्या एडवेंचरस स्पोर्ट जैसे रिवर राफ्टिंग और रॉक क्लाइंबिंग है उसमें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। दे डिमांड मेंटल रेजिलियंस, स्किल, टीम वर्क एंड द एबिलिटी टू अडॉप्ट चैलेंजिंग सिचुएशन मेकिंग देम हॉस्टलिक होलिस्टिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्टेट्स, क्लियर। एक्सप्लेन वाई द ऑथर डिस्क्राइब कुर्ग एज अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो कुर्ग को बेसिकली पीस ऑफ हेवन क्यों डिस्क्राइब किया गया, जो गॉड से छीना गया है उसकी सीमिंग ब्यूटी की वजह से, रोलिंग हिल्स, ग्रेट वेदर, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशन की वजह से, फ्लोरा एंड फोना की वजह से, लोगों की ब्रेवरी की वजह से, कलरफुल है, वॉर्म्थ है, तो इस वजह से वो बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इन सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे जस्ट मैंने यहाँ शॉर्ट में डाले हैं, क्लियर समझ आया। नेक्स्ट आता है, द कल्चरल लाइफ स्टाइल एंड ट्रेडिशन ऑफ अ प्लेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल हु लिव्ड और सेटल देयर एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम। कल्चरल एसिमिलेशन एड फ्लेवर्स टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी, समराइज योर ओपिनियन ऑन अ गिवन आइडिया। तो ये बताया गया कि जो कल्चरल लाइफ स्टाइल और ट्रेडिशन है उस जगह का, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल हु लिव्ड देयर, ठीक है, या वहाँ आके लोग सेटल हो गए। कौन सेटल हुआ था? ग्रीक और अरब्स की लाइनेज थी जो अभी हमने समरी में पढ़ा। सो आई अग्री विद द आइडिया दैट कल्चरल लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल हु हैव लिव्ड इन अ प्लेस ओवर टाइम। Cultural assimilation enriches a society by bringing in diverse elements contributing to a more vibrant and dynamic cultural landscape. It is a fusion of different culture that often adds depth and uniqueness to a society's identity. Clear? Then moving on to the next question. लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, पेन डाउन अ ब्रीफ ट्रैवलॉग, ट्रैवलॉग आपने बनाना है, एंट्री नरेटिंग एनी पर्सनल इम्प्रेशन अबाउट अ विजिट टू कुर्ग, क्लियर, इंक्लूड योर रिफ्लेक्शन अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन द प्लेसेस वेयर यू लिव एंड द प्लेसेस यू हैव विजिटेड, ठीक है। अ ट्रैवलॉग इज अ पर्सनस अकाउंट ऑफ जर्नी टू अनदर कंट्री और अ प्लेस। इट कैन ईदर बी अ रिटन रिपोर्ट विद मैनी फैक्चुअल डिटेल्स और नरेटिव स्टोरी अबाउट द पर्सनल इंप्रेशन एंड एक्सपीरियंस। तो नरेटिव स्टोरी भी हो सकती है और आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है। सो येस, एज आई स्टेप्ड इन टू द लैंड ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आई वॉज ब्लोन अवे बाय द प्रिस्टीन ब्यूटी एंड ट्रैंक्वालिटी ऑफ कुर्ग।
The rolling hills covered in lush coffee plantation created a breathtaking panorama. It was panorama. It was a stark contrast to the bustling city I call home, where concrete jungles dominate the landscape. The air in Coorg was filled with earthy aroma of coffee and the sweet scent of blooming flower, a refreshing departure from the smog, and traffic of urban life. The people in Coorg were warm and hospitable, reflecting the region's rich culture and traditions. One notable difference was the pace of life. Coorg seemed to move at a more relaxed rhythm, allowing me to savor every moment. It was stark contrast to the fast-paced, time-driven life I was accustomed to. In Coorg, I found a deep connection with nature and a sense of serenity that had eluded me in my busy city life. The visit was not just a journey, but a profound experience that made me appreciate the diversity and the beauty of our world. तो इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, तुम एक busy city में रहते हो, उसको तुमने heaven के साथ, एक बहुत ही beautiful जगह Coorg के साथ compare किया हुआ है, right? Clear? Now we are moving on to the part 3 of Glimpse of India, that is Tea from Assam. Tea from Assam एक journey है tea garden की जिसको describe की हुई है, ठीक है? It is a very informative story, ठीक है? जिसमें एक history बताई हुई है असम की tea garden की, असम की नहीं tea garden की, culture बताया हुआ है, production बताया हुआ है कि tea कैसे produce होती है असम में. तो ये एक narration है, दो friends के experience बताया हुआ है, that is Rajveer and Pranjol, जो tea estate visit करते हैं to explore the roots of the beloved बेवरेज. और हमारा बीलव्ड बेवरेज कौन सा है? दैट इज ऑब्वियसली टी, ठीक है? तो दो बच्चों की स्टोरी है, उनका एक्सपीरियंस नरेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? समझ आया? सो सबसे पहले द वॉयज बिगिंस. वॉयज का मतलब होता है द जर्नी बिगिंस, ठीक है? राजवीर और प्रांजल की मैं बात करती हूँ, दो बच्चे हैं स्टोरी में और दोनों के दोनों क्लासमेट्स हैं अपने स्कूल में दिल्ली में, ठीक है? अब प्रांजल जो है वो कहाँ रहता है? असम में. वो दिल्ली में स्कूलिंग करता है. तो प्रांजल ने क्या किया है, embark a train journey to Assam where Pranjol father's manages a tea garden in upper Assam. Pranjol ने क्या किया, राजवीर को invite किया है असम में, जहाँ पे उसके father एक tea garden को manage करते हैं, ठीक है? तो जब invitation आया था, किस चीज़ के लिए आया था? To explore the tea gardens. So Pranjol has invited राजवीर to spend his summer vacation with him, offering a first hand experience of the tea estate's life. ठीक है? और उसको बहुत सारी नॉलेज भी मिली वहाँ पे. सो अब वो जब ट्रेन में थे तो वो चाय वाले से एक चाय खरीदते हैं, एंड वाइल सिपिंग टी फ्रॉम अ वेंडर, राजवीर उसको बताता है प्रांजल को, राजवीर प्रांजल को बताता है विद द फैक्ट कि 80 करोड़ कप ऑफ टी रोज कंज्यूम किए जाते हैं. कितने? 80 करोड़ कप्स ऑफ टी रोज कंज्यूम किए जाते हैं. क्लियर? अब असम के टी गार्डन के बारे में बताया, दैट इट हैज़ अ रोलिंग हिल्स. तो जब ट्रेन में वो लोग जा रहे होते हैं तो राजवीर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है बाय सीइंग द नेचर. राजवीर इज कैप्टिवेटेड बाय रोलिंग हिल्स एंड द लश ग्रीनरी ऑफ द टी गार्डन विच इज़ विजिबल फ्रॉम द ट्रेन विंडो. क्लियर? उसके बाद मिस्टी वैली देखता है. जो मिस्टी वैली है असम की, बहुत ही सुंदर थी, जिससे बहुत अच्छा राजवीर को व्यू दिख रहा था, ठीक है? वाटरफॉल्स के बारे में भी बताया हुआ है. द साइट ऑफ स्पार्कलिंग वाटरफॉल्स इन द मिडल ऑफ द टी प्लांटेशन इज अ रिफ्रेशिंग विजुअल फॉर राजवीर. क्लियर? उसके बाद आते हैं द हार्ट ऑफ टी प्रोडक्शन. वहाँ पे टी प्लकर्स है. टी प्लकर्स आपने मूवी में भी देखे होंगे, लेडीज हैं, दे आर कैरिंग अ बकेट ऑन देयर बैक एंड दे आर प्लकिंग द टी एंड पुटिंग इट इन टू दैट बकेट, ठीक है? सो वुमेन टी प्लकर्स है, बैम्बू बास्केट उन्होंने पकड़ी हुई है ऑन देयर बैक, एंड दे आर द बैक बोन ऑफ द टी प्रोडक्शन प्रोसेस इन असम, ठीक है? और असम का जो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है प्लांटेशन का, वो टी में ही है. अफैक्ट की जो प्रांजल है वो बहुत ही ज़्यादा कस्टम्ड हो गया था टू दिस साइड एंड ही शेयर्स इट विद राजवीर. क्लियर? समझ आया? अब लेजेंड्स बताए गए थे, स्टोरी बताई थी प्रांजल को,
राजवीर ने, और एक चाइनीज ओरिजिन के बारे में बताया था। राजवीर ने बताया कि एक चाइनीज एम्परर था जिसने टी को डिस्कवर किया था, ठीक है। बेसिकली उसने क्या किया था, व्हेन लीव्स फॉल इनटू द बॉइलिंग वाटर क्रिएटिंग अ प्लेजेंट फ्लेवर, तो उसकी आंखों से आईलेट से लीव्स ग्रो हुई थी, वो पानी में डाल के ग्रो करी थी एंड उससे बहुत ही प्लेजेंट फ्लेवर आया था, ठीक है। टी वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन चाइना अराउंड 2700 BC एंड रीच यूरोप इन 16th century एंड इनिशियली यूज्ड एज अ मेडिसिन। एंड इंडियन मिथ्स क्या है कि बहुत सारे लेजेंड थे इंडियन लोग, जैसे बोधिधर्मा जो अपनी आईलेट्स को कट करते थे, आईलेट्स जो अभी मैंने बताया, टू द ग्रोथ ऑफ द टी प्लांटेशन विद लीव्स दैट कुड बैनिश स्लीप, क्लियर। अब आते हैं अराइवल एट मेरियाना जंक्शन। अब मेरियाना जंक्शन पहुंच गए, पूरी जर्नी में ये सब हुआ जो मैंने आपको बताया, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। आपस में बात करते करते इन्होंने बताया कि चाइनीज एम्परर था, वो बेसिकली उसकी पानी में टी लीव्स गिरी और तब से उसको बहुत पसंद आने लग गई। फिर यूरोप कैसे टी पहुंची, फिर बोधिधर्मा जो आईलेट्स कट करते थे ताकि उनकी स्लीप बैनिश हो जाए और उनके आईलेट से प्लांट ग्रो हुआ था टी का, तो वो सब बातें ये लोग ट्रेन में कर रहे थे। एंड वहाँ पर बातें करते करते ये लोग पहुँचे मेरियाना जंक्शन, ठीक है, मेरियाना जंक्शन। एंड मेरियाना जंक्शन प्रांजोल के पेरेंट्स आते हैं, उनकी वेट कर रहे होते हैं बच्चों की, टू टेक देम टू द ढेकिया बारी टी एस्टेट। कहाँ पे, ढेकिया बारी टी एस्टेट, ठीक है। द जर्नी कंटिन्यूज एज दे ड्राइव टूवर्ड्स द एस्टेट वेयर प्रांजोल्स फादर होल्ड द एस्टीम्ड पोजिशन ऑफ द मैनेजर, जहाँ पे प्रांजोल के फादर मैनेजर थे, क्लियर। अब असेंस क्या था, सेकंड राजवीर इंक्वायर्स अबाउट द सेकंड फ्लश, द स्प्राउटिंग पीरियड फ्रॉम मे टू जुलाई नोन एज द प्रोड्यूसिंग बेस्ट क्वालिटी टी। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी टी कब प्रोड्यूस होती है, मे टू जुलाई, और ये बात प्रांजोल को ऑलरेडी पता थी, जिससे प्रांजोल के ये बात प्रांजोल को ऑलरेडी पता थी और राजवीर को भी पता थी, जिससे प्रांजोल के फादर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। इम्प्रेस बाय द नॉलेज, मिस्टर बरुआ जो प्रांजोल के फादर थे इज इम्प्रेस बाय राजवीर्स नॉलेज ऑफ द टी प्रोडक्शन साइकिल, उसको बहुत नॉलेज, वो अपना बेसिकली होमवर्क करके आया था, जिससे जो प्रांजोल के फादर थे काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप टू ऑन अ प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ ही सेड, असम हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। I have been reading as much I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. So why was Pranjol not excited as Rajveer? Pranjol Rajveer ke jitna excited kyun nahi tha about the tea garden? Kyunki wo tea garden mein hi pala bada hai. So iska option C correct hai. He had grown up in and around tea garden. Fir next aata hai. What does Pranjol mean by saying that Assam has the largest concentration of plantation in the world? क्योंकि ज़्यादा पूरी वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कल्टिवेशन असम में ही होती है। Pranjol means that the cultivation, harvesting or any similar suitable word of tea is the highest at one place, namely Assam. Pranjol dash comes through clearly when he exclaimed, you will see enough garden to last your lifetime. तो वो अपनी frustration दिखा रहा था कि बस करो, इतना excited होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इतने garden है कि तुम्हारी life ख़त्म हो जाएगी उसको देखते देखते। How according to Rajveer does the world know about the discovery of tea? तो कैसे discovery of tea के बारे में world को पता है, about the traditional tales जो हमने Chinese, Europe वाली और Bodhidharma वाली अभी पढ़ी थी, clear? Now, select the option that correctly captures the application of the word cried as used in the line of the extract. तो यहाँ पे जो cried word use किया हुआ है उससे link करना है. So, Jasprit cried a lot in spite of winning second place in a competition. नहीं, ये नहीं है. Jasprit cried out loud when she saw a white tiger in the jungle. Yes, ये correct है, क्योंकि यहाँ पे cried out है, मतलब कि वो बहुत happy, excited हो गया. और यहाँ पे राजवीर भी एक्साइटेड था, तो इसलिए राजवीर के लिए क्राइड यूज़ किया गया था, तो यहाँ पे सिमिलर मैनर में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजोल, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बोधिधर्मा एन एशियन बुद्धिस्ट एस्केटिक कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस।
10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants were put in a hot water and drunk banished sleep. Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far as back 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from the Chinese. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine as than a beverage. The main idea of this extract is, main idea kya hai, ye bataya gaya hai ki tea kahan se aayi hai. Indian legends jo hai tea ke, aur woh kaise travel hui from China to Europe, ye describe kiya gaya hai, toh option D is correct. Now, why do you think Pranjal scoffed? Pranjal scoffed kyu kiya? Because he was amused and tickled at what Rajveer shared. Clear? Pick the option that includes the tea label information and corresponds to the given sentence. The leaves of these plant when put in hot water and drunk banished leaf. Ab ye kis kaun si information se hum label kar sakte hain? Pehla, it calming effect may be attributed to an oxidant called ampigenin, which is found in an abundance in chamomile tea. Ampigenin binds to specific receptor in your brain that may decrease anxiety and sleep. Nahi. It increases the level of neurotransmitter called GABA. Ye bhi nahi padhna aapne. It interferes with REM sleep, has some unwanted side effects, keeps sleep away and allow the possibility of inducing hours of sleeplessness and increase the nighttime awakening. So yes, this is the correct option for this. Clear? Based on the inference about the extract, which of these is not true? Not true about tea during 16th century in Europe. So Dr. Smith encouraged drinking green tea whenever enabled. Dr. Smith is a doctor of 16th century Europe. So Dr. Smith drinking green tea whenever available to reduce chances of tooth loss. Yes, ye theek hai. Dr. Smith prescribed regular tea drinking to all his patients with weak hearts. Dr. Smith also served tea as a refreshment when he had guests, as they all enjoyed this beverage. Aisa kuch bhi nahi hai. Smith used recommended black tea to reduce inflammation in the blood. No. Clear? So based on the reference from the extract, which of these is not true about tea drinking in? Kyunki yahan pe hum tea ko as a medicine use karte the Europe mein, to isliye ye bataya gaya ki kaun sa correct कौन सा इनकरेक्ट है. तो बात करें तो इसका जो आंसर है वो सी पार्ट है. उन्होंने मेडिसिन, ये हमें यहाँ पे टी को एज अ मेडिसिन यूज करना है. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट, हु डू यू थिंक राजवीर फेल्ट नरेटिंग? एक्साइटेड था, एजिटेटेड था? नहीं. हिस्टोरिकल नर्वस भी नहीं था, नर्वस और एजिटेटेड भी नहीं था, एंथुसियास्टिक और पैशनेट था. Clear? Next, Pranjal buried his head in his detective book while Rajveer was eager to look at the beautiful scenery during the train journey. Why was there a difference in their attitude? क्योंकि अगर मैं राजवीर की बात करूँ, वो बहुत ज़्यादा excited था क्योंकि वो tea plantations पहली बार देख रहा था, और Pranjal की बात करूँ तो वो वहीं पर पला बड़ा, इसलिए वो ज़्यादा excited नहीं था. So the difference in Pranjal and Rajveer attitude during the train journey reflects their distinct interests and priorities. Pranjal's fascination with detective books indicates his preference of fictional adventure, while Rajveer's eagerness to admire the scenery suggests his appreciation for the real world beauty around him. Their contrasting personality and interest shape their reaction. Next, what is famous Indian legend regarding tea? Ab Indian legends ke bare mein batana hai regarding tea. Ek to Chinese emperor boiled water before drinking. ठीक है, कुछ लीव्स उसमें गिरी थी. ठीक है, एंड दैट गेव अ वेरी डिलिशियस फ्लेवर. तो तब सबसे पहले ये यूज़ किया गया था. उसके बाद आया था चाइना से यूरोप इन 16th सेंचुरी, एंड वहाँ पे मेडिसिन की तरह यूज़ करती थी. उसके बाद थर्ड स्टोरी थी बोधिधर्मा. तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वो चाइनीज एम्परर थे. क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द लेजेंड अबाउट टी स्क्वालिश, टी टू बैनिश स्लीप? यहाँ पे आपने बोधिधर्मा को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो द लेजेंड अबाउट टी क्वालिटी टू बैनिश स्लीप इज दैट व्हेन बोधिधर्मा, a Buddhist monk fell asleep during his meditation. He became so infuriated with himself that he cut off his eyelid to prevent it from happening again. Legend has it that from the spot where his eyelid fell, the first tea plant sprouted. Tea then became known for its stimulating properties, helped to keep people awake and alert, thus banishing sleep. This legend is often used to explain the origin of tea and its association with prompting wakefulness. Right?
Next आता है राजवीर डिड हिज स्टडी बिफोर हिज विजिट टू टी प्लांटेशन. इज इट गुड टू डू वंस रिसर्च बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ न्यू वेंचर और डज इट टेक अवे फ्रॉम द थ्रिल ऑफ डिस्कवरी. सो डूइंग रिसर्च इज ऑलवेज बेटर राइट. सो डूइंग रिसर्च बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ न्यू वेंचर इज ऑफन बेनिफिशियल. इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, increases preparedness and can enhance the overall experience. While it may demystify some aspect, the thrill of discovery remains intact as research merely lays on groundwork, leaving plenty of room for unexpected and exciting experiences along the way. A balance between preparation and spontaneity is ideal for fulfilling adventure. Clear? Next aata hai, inspired by the diversity in the chapter Glimpse of India, you wrote an article for your school magazine on the topic Diversity, the Uniqueness of India. Write a paragraph sharing two key opinions from the article. So in my article of on diversity, the uniqueness of India, I highlighted two key opinions. Firstly, I emphasized that India's diversity encompassing its varied culture, language, tradition and landscape is a source of immense strength and richness. Clear? I discussed the importance of varied culture. I discussed the importance for tolerance and harmony among such diverse community as its key to harnessing the full potential of this uniqueness and building of a progressive nation. Clear? Bahut easy tha ye. Ab next aata hai Pranjul and Rajveer. Discuss their next vacation destiny. Next vacation destiny discuss kar rahe. They shortlist Coorg and Goa. Rajveer is keen on Coorg and tries to convince Pranjul develop a conversation between two based on your understanding of Glimpse of India. ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करनी है. राजवीर ने बोला, हे प्रांजल, आई थिंक वी शुड बी विजिटिंग कोर्ग. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस विद कॉफी प्लांटेशन. आई कैन स्मेल द अरोमा ऑलरेडी. प्रांजल, आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द टी प्लांटेशन लास्ट ईयर इन असम. आई वॉन्ट टू विजिट गोवा. क्लियर? Raju, there's a lot more to do in Coorg than smelling coffee. The place has rainforest, so the megafauna will be worth watching. Not just this Coorg, wide opportunity to indulge in sports like river rafting, rappelling, mountain biking and to name a few. So basically, aapne apne chapter ke understanding ke hisab se likhna hai Pranjal. That sounds interesting, but I would prefer some Zen moment too. Away from this post-pandemic hustle bustle. Rajveer, oh, the answer is Coorg again. Pranjal, oh, come on, you can't be serious. Rajveer, believe me, I am. Coorg is the place. It has beautiful natural walking trail and the Brahmagiri Hills offer a panoramic view. I read that the place has the largest Tibetan settlement, so the environment will reflect peace and spirituality. I am sure. Have to say you have presented a fine case in favor of Coorg and convinced me. Let's plan to leave Coorg for next Wednesday. ठीक है, so dialogue should be based on understanding of the chapter. There should be an argument from Pranjal showing he requires to get convinced. Rajveer, being an explorer, must be able to give an interesting account about Coorg to convince Pranjal. The persuasive element using example from description needs to be showcased. ठीक है, उसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हो कि Coorg एक कल्चरली रिच है. लोगों की अगर बात करें तो बहुत ही ब्रेव है, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है. ठीक है, जो Coorg है इंडिया में, Coorgese, they are only one who are allowed to carry firearms with them. ठीक है, it will be fun meeting such brave hearts. Rainforest को बता सकते हो, flora fauna का बता सकते हो, river कावेरी का बता सकते हो, ये भी बता सकते हो कि वो एक बहुत पीसफुल प्लेस है. क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज मिचबिल द ऑटर. तो मिचबिल एक ऑटर, और यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप एक्सप्लेन करी गई है नरेटर और ऑटर के बीच में. और नरेटर कौन है यहाँ पे? मैक्सवेल, राइट? सो द चैप्टर मिचबिल द ऑटर, ठीक है, एनसीईआरटी का है, ग्रेड 10 का है, बहुत ही ह्यूमरस है, हार्ट वार्मिंग है, एंड इट इज अ स्टोरी रिटन बाय गेविन मैक्सवेल. ठीक है, इट नरेट्स द यूनिक बॉन्ड जो उनका उसका ऑटर के साथ बन जाता है. और ऑटर का नाम क्या है? मिचबिल. ठीक है, समझ आया कहाँ से आया था? फ्रॉम द मार्शेस ऑफ इराक. एंड कहाँ पे आ गया था? टू द बस्टलिंग स्ट्रीट ऑफ लंडन. तो हमें दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में डिस्क्राइब करना है. ठीक है, सो एडवेंचर कैसे शुरू हुआ? तो जो मैक्सवेल है वो अब कहाँ था? ही वॉज वेरी लोनली.
क्यों? क्योंकि वो अपना डॉग खो चुका था एंड ही वॉज एक्सप्रेसिंग अ डिज़ायर टू कीप अ न्यू पेट, न्यू कंपेनियन. ठीक है, वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग टू इराक, तो उसने अपने फ्रेंड को बताया दैट ही इज़ इन नीड ऑफ न्यू पेट एंड वो सोच रहा है न्यू पेट के बारे में. तो उसकी फ्रेंड का सजेशन था कि भाई अगर तुमने पेट रखना है ना तो कीप ऑटर एज इन पेट, एज अ पेट ऑटर को रखो एज अ पेट. ठीक है, फ्रॉम द मार्शेस ऑफ द टिग्रिस रिवर, वहाँ टिग्रिस रिवर से लेके आना. ठीक है, उसके थोड़े दिन बाद जो मैक्सवेल है उसको सरप्राइज मिलता है. आफ्टर वेटिंग फॉर हिज मेल, वो इराक करने क्या गया था, मेल लेने गया था, तो स्टिल ही वॉज देयर वेटिंग फॉर हिज मेल. मैक्सवेल को एक सैक आता है जिस जो 2 अरब उसके लिए लेके आते हैं और उसमें उसके लिए गिफ्ट होता है जो उसके फ्रेंड ने उसके लिए बेचा था. और उसमें क्या निकलता है, ऑटर. और ऑटर का नाम क्या लगता है, मिजबिल. और शॉर्ट नेम क्या है, मिज. क्लियर, शॉर्ट नेम क्या है, मिज. अब मिज का न्यू होम में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ही प्लेफुल और क्यूरियस था. ठीक है, मिजबिल द ऑटर एग्जिबिट्स अ प्लेफुल एंड क्यूरियस नेचर, क्विकली अडॉप्टिंग टू हिज न्यू एनवायरनमेंट इन मैक्सवेल्स रूम. बहुत ही न्यू एनवायरनमेंट, बहुत जल्दी उसने अडॉप्ट कर लिया था. वाटर से बहुत ज़्यादा प्यार था उसको. मिजबिल शोज अ पर्टिकुलर फॉन्डनेस ऑफ वाटर, लर्निंग टू ओपन द फॉसेट. फॉसेट मतलब यहाँ पे टैप है. ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ स्प्लैशी मेस इन द बाथरूम. ठीक है, उसके बाद बात करें इन्वेंटिव गेम्स. द ऑटर इन्वेंट्स गेम विद वेरियस ऑब्जेक्ट शोइंग केसेस इंटेलिजेंस एंड प्लेफुल स्पिरिट. और सबसे फेवरेट गेम क्या था, वो अपने पेट पे मार्बल्स रखता था और उसको यूं यूं करके गिरने से बचाता था. क्लियर, देन बात करते हैं जब वो ऑटर को वो इराक से लंदन लेके जा रहा था तो उसने क्या चैलेंजेस फेस किए. सबसे पहला था फ्लाइट का डायलमा, कोई ऐसी फ्लाइट मिली नहीं रही थी टू लंदन. ठीक है, जिसमें पेट अलाउड हो, अनकन्वेंशनल पेट अलाउड हो. तो उसने फाइनली एक फ्लाइट बुक करी एंड उसने ऑटर को एक बॉक्स में पैक करा. बट मिजबिल ने क्या किया, उससे बाहर निकलने के लिए, उस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए अपने आप को इंजर कर दिया. ठीक है, मैक्सवेल ने क्या किया, क्लीन्स द डैमेज बॉक्स एंड रशेस टू द एयरपोर्ट होपिंग टू स्टिल मेक द फ्लाइट विद मिजबिल. ठीक है, फिर भी क्या करता है वो, मैक्सवेल उस बॉक्स को क्लीन करता है, उस पर हल्का सा ब्लड लगा होता है एंड फ्लाइट लेता है मिज के साथ. ठीक है, अब वहाँ पर क्या हुआ वो हम देखेंगे. मिड एयर मायम मतलब मिड एयर सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन हो गई फ्लाइट में, लेट्स सी दैट. ठीक है, तो अब एयर हॉस्टेस जो थी फ्लाइट में काफ़ी काइंड थी, बहुत ही सिंपथेटिक थी, जिसने मैक्सवेल को अलाउ कर दिया था टू कीप मिज ऑन हिज लैप आफ्टर हियरिंग द बॉक्स इंसिडेंट, कि उसको बॉक्स में लग गई थी. ठीक है, अब मिज ने क्या किया, वो चुपचाप बॉक्स से गायब हो गया. ठीक है, एंड कॉजेज अ कमोशन. कमोशन मतलब बेसिकली बहुत सारे लोग थे तो भगदड़ मच गई थी, किसी को लगा कि चूहा आ गया है प्लेन में. ठीक है, बट फिर एयर हॉस्टेस ने बहुत सेफली और स्किलफुली ऑटर को कैप्चर किया और मैक्सवेल को रिटर्न किया. उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड हो गया. क्लियर, उसके बाद लंडन्स क्यूरियस आई. जब वो लंदन पहुंचा ऑर्डर को लेके तो लोग ये सोचते ये कौन सा एनिमल है. ठीक है, लंदन में मैक्सवेल टेक्स मिज फॉर वॉक ड्रॉइंग द अटेंशन एंड क्यूरियोसिटी ऑफ सिटीज इनहैबिटेंट्स. तो लोग बहुत क्यूरियस हो गए थे ये देखने के लिए ये कौन सा एनिमल है. ठीक है, जो पासर्स बाय थे, जो आसपास से निकलते थे मिज के, वो बहुत ही ज़्यादा पजल्ड रहते थे. पीपल मेक वेरियस गेसेस अबाउट मिज आइडेंटिटी विद सम थिंकिंग कि वो बेबी सील है, कुछ बोलते थे स्क्विरल है और कुछ बोलते थे हिप्पो है. ठीक है, लेकिन एक पर्सन ने डायरेक्ट क्वेश्चन मैक्सवेल से पूछ लिया कि जो मिज की अपीयरेंस है, कि वो उसके अपीयरेंस के हिसाब से व्हाट इट इज सपोज टू बी, हम इसको क्या कह सकते हैं. तो ये सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन लगा था मैक्सवेल को. तो यहाँ पे मिजबिल की पर्सनालिटी बताई गई है, बहुत ही इंटेलिजेंट था. ठीक है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ हाईली इंटेलिजेंट कैपेबल ऑफ अफेक्शनेट एंड लॉयल बिहेवियर. और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस था. मैक्सवेल नोट दैट मिच पोजेसेस अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑफन टीजिंग हिम इन अ प्लेफुल वे. क्लियर नाउ, एंड येस ही वॉज मोर देन अ पेट. सो इन द कंक्लूडिंग रिमार्क ऑफ द स्टोरी, मैक्स रिफ्लेक्ट ऑन हिज रिलेशनशिप विद मिच. बहुत ही अच्छा बॉन्ड था दोनों के बीच में. ही एम्फसाइज़ेस दैट मिच इज नॉट जस्ट अ पेट बट अ ट्रू फ्रेंड विद अ यूनिक पर्सनैलिटी दैट हैज़ डीपली इम्पैक्टेड हिज लाइफ. क्लियर, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ मिजबिल द ऑटर. सो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. For the first 24 hours, Mitchell was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible.
The second night, Mijbil came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose his apathy and take a keen, much too keen, interest in his surrounding. I made a body bell for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. So question is, Mijbil was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent. From the actions of the given set of friends, choose the person whose behavior is likely to resemble Mijbil. So, these are the given set of friends. उसमें से आपने एक बताना है कि किसका जो character है वो Mijbil से मिलता है. Akansha rudely tell her best friend to stop calling. No, Piyush was amicable since the day he walked into his new classroom. Amicable मतलब friendly. No, Rishabh became nasty as soon as he started earning money. No, Urvashi was distant for a while after losing her grandmother. Yes, after losing her grandmother, Urvashi was distant for a while. तो यहीं पे ऑर्डर के साथ हुआ, जब वो अपनी पुरानी जगह से न्यू जगह पे आया, he was distant for a while. Select the option that correctly puts the following events in correct order. Maxwell planned to take Mijbil to the bathroom. Okay. Second, Mijbil slept at significant distance from Maxwell's bed. ये पहले हुआ था. Obviously, इससे पहले हुआ था. Mijbil immensely enjoyed playing in the water. ये इसके बाद हुआ था. Mijbil slept in much closer vicinity. और ये सबसे last में हुआ था. ठीक है. तो सबसे पहले हुआ 2. फिर उसके बाद हुआ 4. फिर हुआ फर्स्ट एंड फिर हुआ 3. ठीक है. 2, 4, 1, 3 इज द आंसर. द वर्ड्स स्लॉश एंड स्प्लैश आर एग्जाम्पल ऑफ द ऑनोमेटोपिक वर्ड्स टू गो टुगेदर फोनेटिकली रिसेम्बलिंग द साउंड दैट दे डिस्क्राइब. ठीक है. चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट फिट द गिवन डिस्क्रिप्शन. ऑब्वियसली बाउ वाउ, टिकटॉक, पिटर पैटर ये सब वॉइस है. हिप हॉप इज नॉट अ वॉइस. इट नॉज नॉट अ साउंड. क्लियर. नेक्स्ट आता है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स अ बॉडी बेल्ट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट. बॉडी बेल्ट, ओके, एज एक्सप्लेन बाय द फोर पीपल गिवन बिलो. फर्स्ट, अ बॉडी बेल्ट इज अ डिवाइस स्पेशली मेड फॉर स्विमर्स एंड स्कूबा डाइवर्स विच हेल्प्स देम ब्रीथ अंडर वाटर. तो हम उस बॉडी बेल्ट की बात नहीं कर रहे, हम लीश टाइप की बात कर रहे हैं. बॉडी बेल्ट बेसिकली रिसेम्बल्स वेस्ट बेल्ट एंड कीप योर बॉडी अपराइट इन स्टैंडिंग पोजिशन. नो, बॉडी बेल्ट आर यूज फॉर रिस्ट्रेनिंग वाइल डूइंग सर्टेन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हर्ट. सो येस, हम जब डॉग को लेके जाते हैं, हम उसको भी रिस्ट्रेन करके लेके जाते हैं ताकि वो दूसरे डॉग से ना लड़े. तो येस, इट इज़ फॉर रिस्ट्रेनिंग वाइल डूइंग सर्टेन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हर्ट. नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द फाइनल एक्शन ऑफ द ऑटर बेस्ड ऑन द पैसेज. ठीक है. अब इसमें ये हो गया स्प्लैशिंग इन टू द वॉटर लाइक हिप्पो या स्लॉशिंग इन टू द वॉटर लाइक हिप्पो. तो ये हो गया ऑप्शन 2. ठीक है. Multiple choice question. Again, I'm reading the extract. When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid, and Mitch, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. He had torn the lining of the box to shred when I removed the last of it. So there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. I put the miserable Mitch back into the box, holding down the lid with my hand. I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. Choose the speaker that uses the phrase appalling spectacle correctly. किसने यूज किया है स्पीकर 1, स्पीकर 2 या स्पीकर 3? यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, बट मैं फिर भी रीड कर लेती हूँ. स्पीकर ने बोला, 1 ने बोला, वी गॉट बैक होम टू सी दैट आर पेट डॉग हैड ईटन खीर. माई मदर हैड केप्ट आउट ऑफ द फ्रिज. इनडीड एन अपैलिंग स्पेक्टिकल. नहीं, ये करेक्ट नहीं है. स्पीकर 2 ने बोला, वी गॉट होम एंड विटनेस दैट आवर कजन हैड ड्रेस्ड अ पेट डॉग इन हिज टी शर्ट. हैव टू एडमिट दैट इट वॉज एन अपेलिंग स्पेक्टिकल. नहीं, ये भी नहीं है. स्पीकर 3, वी गॉट बैक होम टू सी दैट आवर पेट डॉग सिटिंग विद अ मैंगल्ड रेड. मैंगल्ड रेड ये है. इट वॉज एन अपेलिंग स्पेक्टिकल. तो ऑप्शन स्पीकर 3 हो गया, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, whipped off is an example of a phrasal verb that is a combination of verb and proper preposition. Choose the option that does not fit the given definition. ठीक है. ऑप्शन 1 take का मतलब ये है. ऑप्शन 2 look
अप आउट अलोंग डाउन, ठीक है। अब विप्ड ऑफ का मतलब है हटाया उसने, कहाँ से हटाया, अप डाउन अलोंग डाउन, जहाँ जहाँ ब्लड था वो हटाया, तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। क्लियर, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन रिसेम्बलेंस टू द बॉक्स कंडीशन इन द मिज वाज कैप्ट। कैसा था कंडीशन बॉक्स का, ऐसी कंडीशन थी क्योंकि यहाँ से उसने निकलने की कोशिश करी थी छेद कर करके और अपने आप को हर्ट कर लिया था, दैट इज ऑप्शन डी। सो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट स्टेट द पॉसिबल रीजन फॉर मैक्सवेल कटिंग द बॉक्स एजेस ऑफ डाउन आफ्टर आउट ऑफ द टेक अप अलोंग डाउन लुक अप इन अ वे बैक गिव इन अप एंड back get. I'm reading again this for you. Select the option that does not state the possible reason for Maxwell's cutting the box edges off down after out of take up. ये गलत यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए mistake हुई है, ये ऊपर का part है, ठीक है। Mitch could have injured himself further. Yes, he could have. It could have made the place untidy. तो yes, अभी main reason उसका ये जो नहीं था वो ये था कि इट कुड हैव मेड द प्लेस अनटाइडी, इसलिए वो उसको ठीक नहीं कर रहा था। इट कुड हैव एक्सीडेंटली स्वॉलोड द टॉर्न पीसेज, यस मिच कुड हैव एक्सीडेंटली स्वॉलोड द टॉर्न पीसेज, एंड इट कुड हैव ऑब्स्ट्रक्टेड द शटिंग ऑफ द लिड, यस। तो मेन मेन जो गलत रीजन है वो है बी पार्ट, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स मैक्सवेल्स लाइकली फीलिंग इन द सिचुएशन बिलो। आई पुट द मिसरेबल मिच बैक इन टू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड। तो यहाँ पे क्या वो एंशियस था, हाँ एंशियस था, डिसअपॉइंटेड तो नहीं था, टेरिफाइड भी नहीं था, गिल्टी था उसको बॉक्स में डालने के लिए और इंसल्टेड भी नहीं था। तो मैं बोल सकती हूँ फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एवरी ड्रॉप ऑफ वॉटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। डिस्क्राइब मैक्सवेल्स ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मिच विद रेफरेंस टू द गिवन कोट। सो इन द कोट मैक्सवेल इज डिस्क्राइबिंग हाउ मिच विल द वॉटर बिहेव्स वेन ही इंटरैक्ट्स विद वॉटर। Maxwell observed that Mitchell does not just drink water conventionally, instead he playfully splashes and spread the water around showing a joyful and exuberant nature. This observation highlights Mitchell's unique and endearing relationship with water, reflecting his otter instinct and personality. Next, Maxwell's fear of sending Mitch to England was legitimate, give a reason. So yes, Maxwell's fear of sending Mitchell to England was legitimate because otter like Mitchell are wild animal with specific habitat and behavioral needs. Transplanting Mitchell to England could have caused immense stress and healthy problems for the otter. Moreover, it might have been illegal and ecologically irresponsible to import a wild animal into foreign environment, potentially disrupting local ecosystem. Next, Maxwell was justified in thinking very highly of the air hostess, justified. So yes, Maxwell was justified in thinking highly of the air hostess because she showed exceptional empathy and care of for Mitchell during the flight. She ensured Mitchell's comfort, well-being, demonstrating a deep sense of responsibility. Her actions reassured Maxwell that Mitchell was in good hands, justifying his admiration for her. Clear? Compare any one compulsive human habit with respect to the otter's compulsive habit as mentioned in the text. So yes, Mitchell's compulsive habit of running along the low wall is akin to human compulsive behavior, like individual who feel the need to touch a specific object or repeat certain actions, providing a sense of comfort or security even if it seems irrational to others. What would you say was the greatest obstacle faced by the narrator in transporting Mitchell to Camisfernia? तो क्या greatest obstacle था, जो greatest obstacle narrator ने face किया था in transporting Mitchell to Camisfernia was the complex logistic of safely relocating the wild otter from Iraq to Scotland. This involved dealing with international regulations, ensuring Mitchell's physical well-being during the journey and assimilating him to new environment. Additionally, the emotional attachment, responsibility towards the otter added to the challenge of journey. Next aata hai, this is not a dull moment when pets are around. Explain how this holds true in the case of Mitchell the otter. So in Mitchell the otter, there are no dull moments due to Mitchell's playful and mischievous nature. His antics such as inventing games with ping pong balls and creating cures during walks keep the narrator and the readers thoroughly entertained. Mitchell's presence adds vibrant and
his life to the narrative, illustrating the idea that pets bring joy and liveliness to their owners' lives. Clear? Then the next one. Peculiar behavior are characteristics of otter. Discuss with respect to which will the otter. Yes, peculiar behavior are indeed the characteristics of otters as exemplified by Mitchell. In the story, Mitchell display a range of unusual and charming habits such as playing with stones, inventing games with ping pong balls, and following specific routines during a walk. These behaviors highlight the unique and endearing nature of otter, making them fascinating creatures to observe and interact with. Next, with the assistance of the air hostess, the narrator could not have transported Mitchell from Basra to London safely. Comment. So yes, with the assistance of the air hostess, the narrator would have faced significant challenges in transporting Mitchell from Basra to London safely. Her care, empathy, and attention to Mitchell's need during the flight ensured his well-being. Reducing the stress and potential risk of the journey, her support was crucial for a successful and safe transfer. Clear? Then, Mitchell caused a sensation in London. Expound with reference to the character. With reference to the character, Mitchell the otter. So yes, in the chapter Mitchell the otter, Mitchell's presence in London caused quite a sensation. His playful interaction with toys, especially the ping pong ball game, and his peculiar habit during walks intrigued and amused people. However, many Londoners could not identify him as an otter, leading to a variety of humorous and incorrect guesses about his species, creating a sense of wonder and curiosity among the public. Clear? Then next, imagine yourself to be the narrator of Mitchell the Otter. Tum narrator ho Mitchell the Otter ke story ke. A friend of yours is confused about whether to adopt an otter as a pet or not and has asked for your advice. So based on the experience described, aapne letter likhna apne friend ko about your opinion. To letter ka format aapko yahi pata hai. Bilkul isi format mein likhenge hum. So yes, trust you and Mitch are doing well. I am writing for a special reason that will surely interest you. This is because it concerns the love of your life, otters. I have been considering adopting one as a pet after hearing about your adventure with Mitchell in London. From your description, Mitchell's antics and charms are undeniable. But it's essential to remember that otters are not conventional pet. They have unique needs, require specific habitats, and their playful, energetic nature demands a lot of attention and care. If you are prepared for the commitment, the joy and wonder they bring into your life are unmatched. However, it's crucial to research extensively, understand their requirement, and ensure you can provide the right environment. Otters are wild creatures and their welfare should always be a top priority. Wishing you all the best with Mitchell and hoping for more fascinating stories. Your affectionately, Kevin. ठीक है, अब आता है मिचबिल और टाइगर के बीच में. Both are looked after by humans. ये मैंने already cover करा है. कौन सी a tiger in the zoo में, ये question already covered है. इसका answer अभी तक आपने नहीं देखा तो नीचे tiger in the zoo का भी link given है, तो please जाके वहाँ पे देखिए tiger in the zoo. ये question already covered है. It is a conversation between tiger and Mitchell. Mitchell human के बीच में रह के कितना happy था और tiger वहीं zoo में रह के कितना sad था, तो इस वजह से दोनों के बीच में दोनों के perception बताए हुए हैं. Clear? तो अब हम सीधा question number 14 पे आते हैं. The People's Collective of Endangered Species has invited the narrator of Mitchell the Otter as a guest speaker to address the audience about the importance of protecting otter and their natural habitat like lakes and ponds. तो इस पे आपने बताना है. ठीक है, प्रॉम्प्ट नीचे गिवन है, तो लेट्स स्टार्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, थियोडोर रूज़वेल्ट वंस वाइसली स्टेटेड, वाइल्ड लाइफ कैन नॉट स्पीक, सो वी मस्ट एंड वी विल. Today, I stand before you to share my experience with a remarkable otter named Mitchell and to emphasize the critical importance of conserving water bodies for animals like otters. Mitchell, my dear companion, has taught me invaluable lesson with the significance of preserving their natural habitat. Living with Mitchell, I witnessed his sheer joy and exuberance in the presence of water. Otters are not just charismatic creatures, they are vital indicators of the health of our aquatic ecosystem. Their presence in lakes and ponds signifies the health and biodiversity of these habitats.
Mitchell's playful antics and endearing nature reminded me that these creatures deserve a safe and thriving environment, one that includes clean water and sources and shelter. When we protect water bodies, we ensure the survival of not only otters but entire ecosystem of plant and animals. This independence is crucial for maintaining the delicate balance of our planet's biodiversity. Clear? So yes, in conclusion, my experience with Mitchell have reinforced the need for us to act as the stewards of our environment. Let us need Roosevelt's word and speak for those who cannot. By preserving our water bodies, we safeguard home and lives of otter and countless species, ensuring the harmonious coexistence between humans and nature. Thank you for your attention, and may we all commit ourselves to protect our natural world for generations to come. And the last question is, if Mitchell were living in the world of the poem, The Tale of Custard the Dragon, how do you think he would have behaved with Custard? Agar behave with Custard ki baat kare, to Mitchell might have been intrigued by Custard, the dragon's initial reluctance to engage in brave and heroic acts. Being a playful and curious otter, Mitchell could have tried to coax Custard into joining in some adventurous and fun activities. His presence might have encouraged Custard to find his inner courage and become braver over time. Ya fir, how did Mitchell react to the appearance of the pirate? So as for the appearance of the pirate, Mitchell's nature's instinct might lead him to be cautious. Otters are known for their alertness and sharp senses. He could have been wary of the stranger and possibly tried to hide and keep a safe distance until he sensed whether the pirate posed a threat or not. Clear? अगर सबने की बात करें, मिचबिल का बिहेवियर वुड लाइकली टू बी अ ब्लेंड ऑफ क्यूरोसिटी, ठीक है, प्लेफुलनेस एंड क्वेश्चन एज इज टिपिकल ऑफ ऑटर्स एंड फेमिलियर सिचुएशन. तो यहाँ पे हमारा मिचबिल द ऑटर भी खत्म होता है. एंड येस, आई एम कमिंग अप विद माई नेक्स्ट वीडियो जिसमें हमने आगे के चैप्टर्स किए हुए हैं. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी मीटिंग यू गाइस सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एवरीवन.